घुसने नहीं देते क्योंकि हमें लगता है कि हर इंडस्ट्री में एक ही गुंडा हो सकता है, वहाँ का गुंडे हम हैं। इस लाइन से आपके दिमाग में कोई बेल रिंग हुई? नहीं, ये किसी ब्लॉकबस्टर मूवी का डायलॉग नहीं है, बल्कि ये लाइन बोट कंपनी के फाउंडर और शार्क टैंक के फिल्मी शार्क अमन गुप्ता की, सीए अमन गुप्ता की है। और जैसे समुद्र में शार्क्स का ऑलमोस्ट सभी एक्वेटिक एनिमल्स के बीच में डर होता है, ठीक वैसे ही अमन गुप्ता का इंडियन स्मार्ट वेरेबल मार्केट में खौफ है। क्योंकि 2016 में दिल्ली के सोशल कैफे से शुरू करके आज अराउंड 1500 करोड़ का टर्नओवर जेनरेट करना इजी नहीं होता। आज हम बात करेंगे कि आखिर गुप्ता जी ने कैसे सिर्फ 5 साल में अपनी कंपनी बोट, जिसको इमेजिन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से भी जानते हैं, उस कंपनी को वर्ल्ड वाइड टॉप 5th वेयरेबल ब्रांड बना दिया। अब कहानी शुरू होती है 2016 से, लेकिन उससे पहले एक इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड और है जो कि अमन गुप्ता होल्ड करते हैं। अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब बोट की नींव रखी गई थी 2016 में बूटस्ट्रैप कैपिटल के साथ, और सिर्फ 5 से 6 साल के अंडर ही बोट अपना IPO लॉन्च करने का प्लान कर रहा है। इतनी सक्सेसफुल स्टोरी बिना स्ट्रगल्स के तो नहीं बनती है, और अमन गुप्ता के अभी तक के लाइफ स्पैन में बिजनेस से रिलेटेड स्ट्रगल्स भरपूर रहे हैं। 3 बिजनेसेस फेल करने से लेकर एम्प्लॉयज की रिजेक्शन तक। अमन गुप्ता ने सबसे पहले 21 की उम्र में CA कंप्लीट करी, फिर जॉब की, फिर उसके बाद अपने डैड के साथ एक बिजनेस स्टार्ट किया, वहां पर वो फेल हुए। उसके बाद उन्होंने MBA किया, उसके बाद एक और बिजनेस शुरू करा, वहां पर भी वो फेल हुए। इनफैक्ट उन्होंने JBL कंपनी में भी काम किया, मगर गुप्ता जी एक चीज में बिलीव करते थे, बेटर ट्राई देन क्राई। इसी मेंटालिटी के साथ अमन गुप्ता और समीर मेहता ने 2016 में बोट कंपनी स्टार्ट की थी। अब उस समय मार्केट में ऑलरेडी काफी बड़े बड़े प्लेयर्स जैसे कि JBL और इंडियन ब्रांड जैसे कि मीवी वगैरह थे, लेकिन जब अमन JBL में 9 to 5 की जॉब करते थे तब उन्होंने एक चीज नोटिस करी, वो ये थी कि इंडियन कंज्यूमर्स के लिए अफोर्डेबल प्राइस और बेस्ट क्वालिटी दोनों मेजर फैक्टर्स हैं, और इसी को अमन ने बोट में इंप्लीमेंट किया। कंपनी फोकस्ड ऑन 3 इंपॉर्टेंट मार्केट स्ट्रेटजीज टू क्रिएट अ गुड कंज्यूमर बेस, कंज्यूमर्स नीड्स, कंज्यूमर्स डिजायर्स, कंज्यूमर्स बिहेवियर पैटर्न। इनके बारे में आगे अभी और बात करेंगे। इसी के साथ बोट के लिए चेरी ऑन द केक का काम किया 2 चीजों ने, फर्स्ट जियो के लॉन्च ने, और एट द सेम टाइम एप्पल ने एयरपॉड्स रिलीज किए थे। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि इन दोनों फैक्टर्स ने बोट को कैसे हेल्प किया, तो हम बताते हैं। एक्चुअली जब एप्पल ने अपने एयरपॉड्स रिलीज किए थे तो मार्केट में एकदम से क्रेज बढ़ रहा था वायरलेस वेयरेबल्स का, और एक तरफ जहां पर स्कल कैंडी जैसे एयर वेयरेबल्स कंपनी सिर्फ टेक एंथुजियास्ट में ही नोन थी, वहीं पर दूसरी तरफ मीवी और बोल्ड जैसी कंपनीज मार्केट में बेयरली एक ब्रांड की तरह रिकॉग्नाइज की जाती थी, और जियो के लॉन्च के बाद मार्केट में लोगों को इंटरनेट सर्फिंग की जैसे लत लग गई हो, लोगों का स्क्रीन टाइम सिग्निफिकेंटली राइज हो गया। और आप ये तो जरूर मानोगे कि जब भी आप कोई वीडियो देखने बैठते हो तो फिर आप हेडफोन्स या फिर ईयरफोन जरूर प्रेफर करते हो। इसी के साथ अगर आप नोटिस करो तो बोट मोस्टली टारगेट करता है सब प्रीमियम कस्टमर्स को, जिनका बजट एप्पल के ईयरफोन्स अफोर्ड करने का नहीं होता, लेकिन उनको डिसेंट प्राइस में अच्छी क्वालिटी की नीड होती है, जो कि अराउंड 2000 से लेकर 5, 6, 7000 के प्राइस ब्रैकेट में आती है। और इसी के साथ बोट ने अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी से भी बायर को इन्फ्लुएंस किया, सेलिब्रिटी से लेकर क्रिकेटर्स और यूट्यूबर से लेकर सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स, बोट ने किसी को नहीं छोड़ा अपने ब्रांड का प्रमोशन करवाने के लिए। हार्दिक पांड्या, कार्तिक आर्यन, भुवन बाम जैसे बड़े बड़े नामों की हेल्प से उन्होंने कस्टमर्स के दिमाग के अंदर जगह बनाई। वेल एक्चुअली जब ब्रांड्स किसी वेल नोन सेलिब्रिटी से अपना प्रोडक्ट एंडोर्स करवाते हैं तो आपके ना चाहते हुए भी बैक ऑफ द माइंड में वो प्रोडक्ट घर कर जाता है, और जब आप सेम कैटेगरी के प्रोडक्ट्स बाय करने जाते हो तो ना चाहते हुए भी आप उसी प्रोडक्ट की तरफ लीन करते हो जो कि या तो आपके फेवरेट सेलिब्रिटी ने इंडोर्स किया हो या फिर किसी वेल नोन पर्सनालिटी ने। फॉर एग्जांपल अगर हम OnePlus फोन की सेल्स की ही बात करते हैं तो जब OnePlus ने रॉबर्ट डाउनी जूनियर से अपने अपकमिंग फोन की एडवर्टाइजमेंट करवानी स्टार्ट की थी तो इंडिया में OnePlus फोन्स ने सारे कंपेटिटर्स को इतना पीछे छोड़ दिया था कि दूर दूर तक वो नजर ही नहीं आए। और वैसे भी एवेंजर्स की वजह से आयरन मैन यानी कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर की फैन फॉलोइंग इंडिया में ऑलरेडी बहुत ज्यादा थी, उसने भी OnePlus को काफी ज्यादा हेल्प करी। इसी के साथ ही साथ बोट ने बड़े बड़े इवेंट्स जैसे कि सनबर्न में स्पॉन्सरशिप दी, एंड देन मार्वल थीम स्पेशल एडिशन प्रोडक्ट्स रिलीज किए विच अगेन हेल्प बोट, यंग बायर्स के बीच में एक हॉट टॉपिक बन गया। इसी के साथ अमन गुप्ता एक और चीज में बिलीव करते थे, विच इज के आप अपने कस्टमर्स का ध्यान रखोगे तो वो आपका ध्यान रखेंगे। तो बोट ने इन शॉर्ट अपना मार्केटिंग कैंपेन को बहुत ही ज्यादा शॉर्ट,
क्रिस्प, स्मार्ट और क्रिएटिव रखा। कुछ पॉइंट्स हैं जिस पर कंपनी ने बहुत ज्यादा ध्यान दिया, वो था कीपिंग द कस्टमर्स फर्स्ट, ऑलवेज वो चीज डिलीवर करो जो कि कस्टमर्स की नीड है, इंस्टेड जो कि आपको अच्छा लगता है। अ रेंज ऑफ इम्प्रोवाइजेशंस, जब वो थोड़ा वेल नोन ब्रांड हो गया था मार्केट में, तो उसी टाइम पर उन्होंने एक और चीज नोटिस करी, विच वॉज एप्पल कंपनी के चार्जर्स। एक्चुअली एप्पल को बहुत सारी चार्जिंग केबल्स के टूटने की कंप्लेंट्स मिल रही थी, एंड बोथ सॉ इट एज एन अपॉर्चुनिटी, एंड दैट कंपनी केम अप विद इनडिस्ट्रक्टिबल केबल फॉर द एप्पल मोबाइल यूजर्स। नाउ दिस हेल्प बोट इन एक्वायरिंग नंबर वन सेलिंग ऑडियो वेरेबल ब्रांड इन इंडिया, और सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट एयरडोप्स 131 बना। अब अगर हम नंबर्स की बात करें तो बोट के मार्केट शेयर 39.3%, वहीं पर वन प्लस का 14.9%, रियलमी 7.7%, नॉइस का 7.5%, पीट्रॉन का 6%। टोटल फंडिंग जो अभी तक कंपनी ने रेस किया है वो अराउंड $116.3 million है। कंपनी की वैल्यूएशन 2200 करोड़ है। अब अगर ओनरशिप की बात करें तो मेजॉरिटी कंपनी स्टेक्स आर हेल्ड बाय वॉरबर्ग पिनकस अराउंड 36.48%। उसके बाद कंपनी के को फाउंडर्स अमन गुप्ता और समीर मेहता आते हैं, 28.1% होल्डिंग रखते हैं अपने पास। उसके बाद फायरसाइड वेंचर्स विद 3.7% ऑफ द शेयर्स, फॉलोड बाय क्वालकॉम वेंचर्स 2.6% स्टेक्स। द रिमेनिंग 1.3% ऑफ द बोर्ड स्टेक इज हेल्ड बाय अदर्स। अब अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो कंपनी ने दो तीन चीजों पर मेजरली फोकस किया था। फर्स्ट, लो बजट हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स। टाइम के साथ साथ अपने प्रोडक्ट्स में इनोवेशन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टारगेट कस्टमर्स वो थे जिनके पास पैसा तो था लेकिन इतना भी नहीं कि वो एप्पल या फिर JBL के प्रोडक्ट्स खरीद सके। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए बोट ने अराउंड 15,000 यूनिट्स हर रोज के सेल करने स्टार्ट कर दिए और 2200 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। तो वेल, ये थी उस गुंडे की कहानी जो कि ऑडियो वेयरेबल मार्केट पर राज कर रहा है। अगर आपको कोई भी इंटरेस्टिंग फैक्ट पता है इसके बारे में तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, एंड कनेक्ट विद जोश मनी ऑन इंस्टाग्राम। वेल, आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।